अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि बाकी 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेलकर आगे जाएगी। क्वालिफाइंग राउंड को राउंड 1 का नाम भी दिया गया है। इसमें 8 टीम शामिल हैं। इन 8 टीम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में श्रीलंका है, UAE, नामीबिया और नैदरलैंड की टीम शामिल है, जबकि ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम शामिल है। व्यूवर्स, इन 8 टीमों में से 4 टीमें आगे जाएंगी। हर ग्रुप में से 2 टीमें आगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। 4 टीम यहां से जाएंगी, 8 टीम ऑलरेडी नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी हैं, तो टोटल 12 टीम्स हो जाएंगी। इस राउंड को सुपर 12 का नाम भी दिया गया है। सुपर 12 की 12 टीम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हर ग्रुप में 6 टीम्स होंगी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम शामिल है, जबकि 2 टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलकर आगे आएंगी। इसी तरह बी में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जबकि साउथ अफ्रीका शामिल है और 2 टीम्स क्वालिफाइंग राउंड खेलकर आगे आएगी। इस ग्रुप में शामिल हर टीम बाकी 5 टीमों से एक एक मैच खेलेगी। तमाम मैच के इख्तिताम पर टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ग्रुप 1 की विनर ग्रुप 2 के रनर अप के साथ और ग्रुप 2 की विनर ग्रुप 1 के रनर अप के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। 10 नवंबर को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच खेला जाएगा। व्यूवर्स, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी, इसलिए वर्ल्ड कप से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको हर तरह की मालूमात फराहम करता रहूँगा और इसके अलावा आपके साथ तमाम टीम्स के स्क्वाड आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तान टीम के फिक्चर भी आपके साथ शेयर किए हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं। पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ है, फिर दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, तीसरा बांग्लादेश के खिलाफ, बाकी चौथा और पाँचवा मैच क्वालिफाइंग टीम के साथ होगा। इसके अलावा व्यूवर्स, 9 नवंबर तक ICC ने तमाम कंट्रीज़ को मोहलत दी है कि वो अपने स्क्वाड में अगर कोई चेंजिंग करना चाहता है तो चेंजेस कर सकता है। 9 नवंबर के बाद स्क्वाड में चेंजिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि कोई क्या कहते हैं खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए या ज़ख्मी हो जाए, तो उसके लिए उनका इनके मुतबादल ले सकता है, अदरवाइज़ उसके अलावा चेंजिंग नहीं कर सकते। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।